कुशीनगर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज रही समाजवादी पार्टी को झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कुर्सी छीन ली है। सपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश राणा के खिलाफ जिला पंचायत सदस्यों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 33 जिला पंचायत सदस्यों ने मतदान किया, जबकि विपक्ष में सिर्फ 31 सदस्यों ने मत किया है। 68 सदस्यीय जिला पंचायत में पहले ही 4 जिला पंचायत सदस्य मतदान से वंचित कर दिए गए थे। 64 सदस्यों की मौजूदगी में चर्चा शुरू हुई। चर्चा के बाद मतदान हुआ, जिसमें सपा के जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अधिक मत मिले हैं। बहुत ही गलत काम किया है और जितने भी ब्लॉक प्रमुख थे और जितने भी प्रधान थे, उनके घर के जो लोग भी जिला पंचायत के से सबको धमकी घुड़की दे करके और जबरदस्ती लोगों को अपने घर लोग टांग ले गए थे और यहाँ ला करके, और DPRO ने भी यहाँ जो है पारदर्शिता के साथ काम नहीं किया है। स्वयं जो है एक वोट अपने हाथ से मार करके जो है, जहाँ हम लोग का 32 वोट था उसको 32 वोट था, उसमें बराबरी का था, लेकिन उन्होंने एक वोट मार करके उधर 33 कर दिया है।